हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम बताएंगे कि आप सेफ्टी अगर न्यू हैं तो आपको देख करके चलना चाहिए, किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, ये सब सारा मैटर करता है फ्रेंड्स। आप जब भी न्यू ड्राइवर हो तो आपको थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए, फर्स्ट टाइम आपको स्लो चलना चाहिए जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप न्यू हैं, क्योंकि कार कॉस्टली होती है फ्रेंड्स, और आप जैसे तैसे बाइक की तरह कट मार के चलते हो ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना आपको पड़ सकता है। जैसे कि हम न्यू है जो चला रहे हैं, और जैसे कि मान लीजिए रोड पे गड्ढा ही मिल गया यहाँ पे, जैसे कि इस तरह का, तो आपको सेफ्टी से चक्का आपको मालूम नहीं होता एग्जैक्ट कि लेफ्ट वाला चक्का हमारा कहाँ है, राइट वाला कहाँ है, तो ये सब आपको देख करके चलना होता है। जैसे कि हमने बाईपास अभी क्रॉस कर रहा है, तो हमेशा हर एक का रूल होता है कि पहले राइट देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, फिर राइट देखिए, देन क्रॉस द रोड। ऐसा होता है कि राइट देखना, लेफ्ट देखना, फिर राइट देखना, क्रॉस। हमने 2 क्लास में ही पढ़ा था कि मतलब ऐसे क्रॉस करना चाहिए रोड, साइंस का बुक में इस तरह का। और हम लोग जैसे कि जब भी ब्रेकर वगैरह मिले तो हम लोग को हमेशा सेकेंड गियर या फर्स्ट गियर कर लेना चाहिए फ्रेंड, जिसके जिसपे कि इंजन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। लोग बोलते हैं ना कि नया ड्राइवर चला रहा है तो एवरेज कम देता है, एवरेज कम का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि वो 3 गियर पर है तो ब्रेकर पार कर रहे हैं तो 3 ही गियर पे, 2 गियर 1 गियर नहीं कर रहे हैं, ऐसा उठा रहे हैं तो 3 गियर पर उठा रहे हैं, उनको रूल रेगुलेशन मालूम नहीं होता है। तो आप जब भी गाड़ी उठाएं 1 गियर पे, ज़्यादा एक्सीलेटर ना दे। कुछ लोग जैसे कि ब्रेकर आए तो हम लोग फर्स्ट गियर, जैसे कि देख रहे होंगे मैंने कर लिया फर्स्ट गियर, जैसे कि सेकेंड ही गियर है मान लो है तो मैंने क्रॉस किया, तो इससे क्या होता है ना, इंजन थोड़ा सा आराम से चलेंगे हम लोग बिल्कुल। अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं विलेज में ठुक जाती है गाड़ी नए ड्राइवर से, तो विलेज में और आप स्लो चलो तो बेहतर रहेगा, बिल्कुल स्लो चलो, देखते हुए चलो, जैसे गाड़ी वगैरह लगा हुआ सही है, और कुछ बच्चे वगैरह भी होते हैं जो कि रोड पे रहते हैं, इसलिए आपको स्लो चलना होता है, चलते रहें। ये ब्रेकर जितना भी मिले उसको आप आराम से टाइम दें, एक ब्रेकर के पीछे आप 1.5 मिनट टाइम दें और अच्छा रहेगा। लोग जल्दी जल्दी में ऐसे ही पार करते हैं, उससे जो प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, वो जो प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये अलाइनमेंट का आपको काम करवाना होता है, और सेकेंड प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब आपका चक्का वगैरह भी प्रॉब्लम हो सकता है, और गियर आप कम नहीं करते हो, झटका मारता है ब्रेक, बहुत सारा इफेक्ट आता है गाड़ी में, और हमेशा आगे का 90% आप माइंड जो है आगे की ओर रखें, और 5% आप लेफ्ट राइट बैक में 10% ये ध्यान रखें आप हमेशा ऑलवेज। और जब भी आपको टर्निंग वगैरह इस तरह का मिले, ज़्यादातर मिलेगा आपको, तो आप स्लो हो करके क्लच यूज़ करें, इससे बेहतर होता है। और हमेशा आप नए हैं तो अगला गाड़ी जो भी आपको क्रॉस कर रहा हो तो उसको आप प्यार से साइड दे, क्योंकि उन लोग तो चढ़ के चलता है ना, उनको क्या मालूम मतलब, तो वो कैसे भी कंट्रोल कर लेगा अपना स्टीयरिंग व्हील को, अपना गाड़ी का बॉडी को, ठीक ना, तो ऐसा कुछ है। तो आप हमेशा नए हो तो आपको मन में होना चाहिए कि नए हैं हम, थोड़ा सेफ्टी से चलें, लेकिन डरना भी आपको नहीं, जैसे कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं इन लोग को, आप जगह पे आप हॉर्न यूज़ करें। हॉर्न क्यों होता है गाड़ी में, थोड़े तो पीपी बच्चा को खिलाने के लिए होता है क्या, नहीं, हॉर्न यूज़ होता है, यूज़ करने के लिए होता है ना, और चलते रहे आप, सही है, बिल्कुल सही है। और जैसे कि कुछ गांव में आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि ऐसा मुर्गी वगैरह हो गई, आई ला आई ला आई ला, बच गए वो फर्स्ट गियर चलेंगे, और डॉग्स वगैरह मिलेंगे जो कि अपना अंगड़ाई वो रोड पे ही देते हैं, तो आप सेफ्टी बात से भी रहें, ठीक ना, कि रोड पे कुछ लोग, और कुछ गांव का तो ब्रेकर पॉल रखेगा उसके बाद जाम कर देगा, जैसे कि ब्रेकर देख रहे होंगे काफ़ी गाड़ी उछलेगी, ऐसा कुछ है। चलते रहें, सही है, चलते रहें, चलते रहें, सही है, और सही है सब चीज़, हम लोग चल रहे हैं, देखिए। और ये है कि कोई भी रोड रहा है फ्रेंड तो उसको दो भाग में आप बांट दो, पहले एग्जांपल डेट, क्या आप 50% अपने तरफ चले आओ इस तरह से 50%,
बिल्कुल अपना व्हाइट वाला ये पट्टीज है ये, क्योंकि उधर से कोई भी गाड़ी आए फोर व्हीलर तो उधर से निकल सके विदाउट हॉर्न यूज किए हुए अगला गाड़ी, ये सब की वजह से। तो बहुत सारे नए ड्राइवर का वर्क होता है, पॉइंट होता है जो कि ध्यान देना चाहिए, ऑलवेज माइंड में रखना चाहिए कि हमें स्लो चलना है, अगला गाड़ी को साइड दे करके ऑलवेज चलना है। और कुछ लोग कोचिंग क्लास के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं ना, मतलब झुंड बना के चलते हैं, तो आप हमेशा जो है ऑलवेज अपना ये हॉर्न यूज़ करें। कुछ लोग झुंड बना कर चलते हैं कोचिंग क्लास के बच्चे, तो सडनली आप उस पर ध्यान दें। वो ऐसा रो नहीं, स्ट्रेट रो नहीं, मतलब इस तरह का पैरल रो बना कर चलते हैं रोड पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल चलते रहे। फूल छत